यहाँ? देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। मैंने ही तुम्हें यहाँ आने को कहा था। अब अगर तुम यहाँ आ चुके हो तो मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। रुको, आपकी तारीफ। मैं शहंशाह सुलेमान की बेटी सौरा। अब तसल्ली हो गई या अब भी कोई शक है? मुझे क्यों होने लगा शक? अब चलिए, हमें यहां से फौरन निकलना चाहिए। नहीं नहीं रुको, तुम लोग साकिब की ताकत से वाकिफ नहीं हो। वो जितना ही ताकतवर है उतना ही जालिम भी। मैं पिछले एक साल से उसका जुल्म सहती आई हूँ। उसे तिलस्मी रहबर पे लिखा हुआ राज जानना था, पर जब मैंने वो राज बताने से इनकार कर दिया। इन्हें ले जाकर तहखाने में बंद कर दो और वहां तब तक कैद रखो जब तक कि ये हमें तिलस्मी रहबर का राज बताने को तैयार नहीं हो जाती। इसी तरह कई दिन निकल गए और फिर एक दिन मैंने कुछ सिपाहियों को आपस में बात करते हुए सुना। शहजादे साकिब ने शहजादे सोहरा को तहखाने से बाहर निकालने का हुक्म दिया है। क्यों? उन्हें डर लगता है कि अगर शहजादी ज्यादा दिन इस तहखाने में बंद रही तो वो मर जाएंगी और साथ ही तिलस्म रेबर का राज भी चला जाएगा। यानी उसने आपको जिंदा रखा सिर्फ अपने मतलब के लिए। जिंदा रखा तो भी सिर्फ नाम के लिए। एक दिन जब वो फिर से मुझ पे जोर डाल रहा था और हमेशा की तरह मैंने उसे बताने से इनकार कर दिया। रुको, जब तक मैं ना कहूं इनका खाना पीना सब बंद। जाओ, अब देखता हूं तुम कब तक मुझे तिलस्मी रहबर का राज नहीं बताती। ये किसने भेजा? हमारे शहजादे नहीं चाहते कि आप भूख से मर जाए। एक बार फिर से आपकी जान सिर्फ इसलिए बख्शी गई ताकि आपसे तिलस्मी रहबर का राज उकलवाया जा सके। आप उसे राज बता क्यों नहीं देती? वो राज साकिब जैसे शैतान को बताना ठीक नहीं होगा। वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है शहजादी। इससे पहले कि साकिब आप पर कोई जुर्म करे हम आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे। पर कैसे? इस महल में तो जो भी कोई आता है वो साकिब की मर्जी से और जाता भी साकिब की मर्जी से ही है। लेकिन मैं सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक हूँ। और आप देखना, मैं आपको यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगा। मैंने आपके अब्बू से वादा किया है। मुझसे जो भी मदद हो पाएगी वो मैं जरूर करूंगी। साकिब के कमरे में एक ऐसी चाबी है जिससे इस महल के पूरे दरवाजे खुल सकते हैं। अगर वो चाबी हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा अलादीन। मैं आज रात को ही वो चाबी चुराने की कोशिश करती हूँ। पर आप साकिब के कमरे में किस बहाने से जाएंगी? वो सब आप खुद पर छोड़ दीजिए। मैं आज रात को ही वो चाबी चुराने की कोशिश करती हूँ। अगर वो चाबी हमारे हाथ लग गई तो आज रात ही हम लोग यहाँ से भाग निकलेंगे। पर जादूगर साकिब ने आपको चाबी चुराते हुए देख लिया तो? मैं पूरी होशियारी के साथ काम करूंगी। जोरा, आप अपना ख्याल रखना।